हैं, तुमने अमल कौन सा किया? उसी जबान से कुरान पढ़ती हो, उसी जबान से वो तुम्हारी सहेली साथ बैठी हुई है, बहन साथ बैठी हुई है, अभी उठ के गई उसी का गोश्त खाना शुरू कर दिया, चुगलखोरी शुरू कर दी है जी। हरम में बैठे ता चुगलखोरी, लोगों पर इशारा करना लिबास का, हरम में बैठी हुई दो बुढ़िया इशारा कर दी देख। मैं भाई अल्लाह का वास्ते इतने बाद आई अल्लाह दी बंदी है, उनकी क्या नहीं पी है, उन्होंने ऐडा कला चंगी लग दी, उन्हें जाके क्या दुपट्टा सही लग गया है। ये क्या है, ये अमल को जाया करता है, ये हराम है। कुरान कहता है जिसने चुगली की उसने क्या किया, मुर्दे भाई का गोश्त खाया, मुर्दा गोश्त नहीं खाया, मुर्दार तो एक होता है ना इंसान, पहले इंसान हराम है ना, मुर्दार भी हराम है, फिर भाई तीन हराम खा के फिर दुआ कबूल होगी। ये है वो चीजें जिससे हमारे अमल जाया होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम कोई अमल करते हैं तो खौफ में आते हैं कि या अल्लाह इसको कबूल कर लेना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप बेटा दोनों खाना काबा की तमीर कर रहे हैं और फिक्र ये है और दुआ मांगते जा रहे हैं, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। उनको ये फिक्र है मैं दो लफ्ज कुरान के पढ़ लेता हूं, दो बातें मुझे करनी आ गई हैं, मैं इंसान को इंसान ही नहीं समझता है। अगर नमाज पढ़ना शुरू हो गया हूं तो बेनमाजी को इंसान नहीं समझता, तकब्बर आ गया मुझ में। चंगे ऐसी अन्ना तो अल्लाह अकबर, जो अपने अमल पे मुतमईन हो गया वो बर्बाद हो गया।